सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हुआ जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते और विधायक ओमकार मरकाम एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। वीडियो के वायरल होते ही दोनों की सफाई भी सामने आई है, जहां एक और जिला पंचायत अध्यक्ष सफाई देते हुए कह रहे हैं कि हम सिर्फ बातचीत कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर विधायक मरकाम कह रहे हैं कि जनता सब जानती है कि कैसे जिला पंचायत अध्यक्ष मुझ पर झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। डिंडोरी कांग्रेस के नेताओं की अंतरकलह अब खुलकर सामने आ रही है। यह वायरल वीडियो उस वक्त का है जब डिंडोरी विधायक ओमकार मरकाम कुछ ग्रामीणों की समस्या लेकर जिला पंचायत सीईओ से मिलकर वापस लौट रहे थे। वहीं जिला पंचायत कार्यालय के बाहर ही जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते रोजगार सहायकों की समस्या सुन रहे थे और उसी बीच विधायक ओमकार मरकाम से जिला पंचायत अध्यक्ष ने सवाल किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने पूछा कि आपने रोजगार सहायकों की मांगों को विधानसभा में रखा या नहीं रखा। उनके इस सवाल पर विधायक मरकाम ने सफाई देते हुए कहा कि मामला प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व की निगरानी में है, ऊपर से आदेश आते ही मामले पर आवाज उठाई जाएगी। किसी ने इन दोनों के झगड़े का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और वहीं इस वायरल वीडियो पर विधायक मरकाम ने सफाई देते हुए कहा कि 7 जनपद पंचायत के रोजगार सहायक कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और विधायक मरकाम उसी समय आ गए, इसीलिए उनसे चर्चा चल रही थी कि किस तरह उनकी लड़ाई लड़ी जाए। माइक नहीं था, इस वजह से ऊंचे स्वर में बात कर रहे थे। डिंडोरी जिले के 7 ब्लॉकों में पूरे मध्य प्रदेश लेवल से रोजगार सहायक क्योंकि संघ के द्वारा अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल रखा हुआ है। उस विषय में सभी रोजगार सहायक मिलने आए थे जिला पंचायत में और एक ज्ञापन दिए थे, जो ज्ञापन है मेरे पास ये है। इसी विषय पे हमारी चर्चाएं चल रही थी। बस उसमें यही बात चल रही थी कि इनकी जो मांगे हैं कि इनको संविलियन कर नियमितीकरण करने की जो मांग है और ये सब विधानसभा में विधायक जी सदस्य हैं, विधायक हैं, तो हम उनसे आग्रह किए हैं कि आप इसको विधानसभा में आप बात करिए, वहाँ पे इसी विषय पे चर्चा चली और कोई विवाद की स्थिति नहीं। बात कर रहे थे तेज से, सब भीड़ ज्यादा थी, माइक नहीं था तो तेज से बात कर रहे थे दोनों पक्ष से। वहीं इस वायरल वीडियो को लेकर विधायक ओमकार मरकाम ने कहा कि जैसे ही मैं गेट पर पहुंचा तो वहां पहले से ही जिला पंचायत अध्यक्ष रोजगार सहायकों के साथ खड़े थे। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने विधानसभा में रोजगार सहायकों की समस्या नहीं रखी। मैंने उनसे कहा कि राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर को इस समस्या की जानकारी है, जैसे निर्देश मिलते हैं उसके हिसाब से सभी के लिए आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। विधायक मरकाम ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष मुझसे 15 साल का हिसाब मांग रहे हैं, मुझ पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। आज आप जिला पंचायत पहुंचे थे, वहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है वहां का, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष से विवाद का वीडियो है, क्या कहेंगे, किस बात को लेकर विवाद हुआ? जिला पंचायत में हम लोग उदरी के गांव के लोगों की मांग को लेकर के गए हुए थे। वहीं पर रोजगार सहायक अपने ज्ञापन के लिए आए, दरवाजे में रोजगार सहायक थे और वहीं पर जिला पंचायत अध्यक्ष जी के बीच में वो ज्ञापन दे रहे थे। मुझे वहाँ पर उन्होंने ज्ञापन दिया, उस बीच में मैंने जिला पंचायत में जो रोजगार सहायक थे उनसे मैंने कहा कि ये जो आपकी मांग है ये मध्य प्रदेश सरकार के लेवल का है, उसमें करना चाहिए। उस बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने कहा कि ये तो विधायक को करना चाहिए, तो हमने कहा कि भाई विधायक मांग को रखता है और हमारे नेता कमलनाथ जी के नेतृत्व में लगातार रोजगार सहायक और जो OPS वाले हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, सबकी जो जिनायन मांग है उसके लिए माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने विधानसभा में रखा, हमारी ये बात। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।